वालेकुम दोस्तों, इन वक्त असा मौजूद आए हूं कराची जे एक इलाके सदर में। ही जको इलाको आहे सदर, यो काफी पुरानो इलाको आहे। आई हिते जको आहे इन इलाके के एक कारोबार के लिहाज का सुठी अहमियत एक त देनी वेंदी आहे, नजरों सा भी जको आहे सुठी दिसो वेंदो आहे। त इन इलाके में जको आहे असा बीदा से इन इलाके में जको आहे कारोबार जे हद ताई हिते हले तो उन हिसाब से हिते जको आहे नंडा होटल भी घणा आहिन, आई के दुकान आहिन उहे भी ते काफी तादाद में आहिन। त कुछ एड़ा जको आहे होटल आहिन दुकान आहिन जेके पांजी लिमिट का वधी करे फुटपाथन ते अचे कब्जो कंदा, फुटपाथ के जको आहे पांजे दुकानन जे अंदर आणींदा। जैसा हिते जके माण्हू अचन था उन्हनि खे जको आहे वरी तकलीफ़ थे थी रोडन ता हू क्रॉस कन था। तंहिंजे करे अॼु जेको असां प्रोग्राम आहे इन माफ़िया ते कंदासीं, जेको फुटपाथ खे जेको आहे पंहिंजे अंडर में आणे उन ते कब्ज़ो करे ऐं माण्हुनि खे तकलीफ़ ॾियनि था ऐं उन ते अचो हे जेके आहिनि कब्ज़ो करे पंहिंजो कारोबार हलाईंदा। त अॼु ही जेको सॼो प्रोग्राम आहे हिन असां माफ़िया ते कंदासीं, जेको कब्ज़ा माफ़िया आहे। ऐं ॾिसंदासीं त आख़िर ही जेके कब्ज़ा माफ़िया आहिनि छा इहे ई खुलेआम जेको आहे फुटपाथ ते कब्ज़ो अचे कनि था या वरी हे को मंथली बि ॾींदा आहिनि या न। त इहो जो असां हिन प्रोग्राम जे ज़रिए ॼाणण जी कोशिश कंदासीं त छा ही जेका कब्ज़ा माफ़िया आहे इहे कंहिंजे अंडर हली रहिया आहिनि, इन्हनि जो को सुपरवाइज़र आहे जेको हिननि खे जेको आहे हलाए थो ऐं मंथली जेको आहे हिननि खां वठे थो। त कोशिश अॼु इहा ई आहे, ॾिसूं था असां हिन कोशिश में केतिरो कामयाब थियूं था। त हलूं था सदर जे अंदर ऐं ॾिसूं था त हिते कब्ज़ा माफ़िया कीअं कब्ज़ा करे वेठी आहे। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां जेको आहे सदर में पहुची विया आहियूं ऐं जीअं त अवां मुंहिंजे बैक साइड ते ॾिसंदा हूंदो त काफ़ी जेको आहे माण्हुनि जी हिते रश आहे ऐं सॼे हथ ते जेको आहे दुकान आहिनि जिते माण्हू जेको आहे दुकाननि खां ॿाहिरि ते जेको आहे पंहिंजी टेबल रखी ऐं जेका फुटपाथ आहे आम माण्हुनि जे अचवञ जे लाइ हुन ते कब्ज़ो करे अचे वेठा आहिनि। त हिननि वटि हलंदासीं ऐं हिननि खां जेको आहे पुछंदासीं त आख़िर इन्हनि इहे छो जेको आहे कब्ज़ो कयो आहे जंहिंसां माण्हुनि खे जेको आहे अचवञ में काफ़ी तकलीफ़ थिए। आपका अपना होटल है और आपकी जो दुकान है वो सिर्फ एक हद तक है और आप बाहर टेबल रख के बैठे हुए हैं, इससे क्या लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होगी आने जाने में? हमारे टेबल कौन से बाहर है? ये जो आपकी ये टेबल पड़ी है सामने वाली है ये टेबल बाहर है क्या? फिर अंदर है ये टेबल आपको बाहर नजर आ रही है? ये तो अंदर है। आप इशू इस टेबल में उठा रहे हैं, पार्किंग जो इतनी लगी हुई है उस पे इशू उठवाए ना, पार्किंग पे इशू उठाए ना, इस टेबल पे क्या इशू उठा रहे हैं? सारी ये अंदर है या बाहर है, गलत है कि नहीं है ये आप मुझे बताओ। फुटपाथ पे नहीं है, ऊपर रखी हुई फुटपाथ के, हमारी फुटपाथ के ऊपर है ना दुकान की, दूध के ऊपर है, जो दुकान की दूध है ना उसी के ऊपर है, उससे बाहर नहीं, उससे बाहर फुटपाथ आ गया। अच्छा, ये गलत है नहीं है? जी ये गलत है भाई, आधे ये लोग लेकर आ गए फुटपाथ अपने कब्जे में, तो ये चीज क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है, इनको अंदर रखना चाहिए था, शटर के अंदर की दुकान है, बाहर थोड़ी है। लोग भी कह रहे हैं कि आपको अंदर रखना चाहिए ये गलत है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये आपने सही जगह पे आपने टेबल रखी। भाई फुटपाथ के ऊपर नहीं है, फुटपाथ तो दूर है, फुटपाथ गुजरने का रास्ता तो गुजर रहे लोग, इसके रास्ते में तो कोई चीज नहीं है। फुटपाथ की बात कर रहे हैं आप, नो पार्किंग की बात कर रहे हैं? नो पार्किंग की बात, ये जो रोड पे वहाँ से लेके वहाँ तक जो लोग खड़े उनको कोई पूछने, इनका क्या है? नो पार्किंग तो ये मंथली देते हैं ना, नो पार्किंग वाले, हम तो इसका किराया यूज दे रहे हैं ना भाई मेरे। कितना आप किराया दे रहे हैं? 30,000 रूपए किराया है। किसको देते हैं आप? दुकान मालिक को देते हैं। तो ये जो आपने आधा जो हिस्सा बाहर निकाला हुआ है तो क्या इसका भी कोई किराया आप लोग देते हैं? सबका ही किराया चार्ज होता है, इसका हिस्सा कौन आपसे लेता है? भाई एक्चुअल किराया जो है दुकान मालिक को ही जाता है ना, और दुकान मालिक के ही पास किराया जा रहा है। नाज़रीन, हे दुकानदारन जा जेका हिन व्यूज़ आहिनि पंहिंजे बचाव में
हाँ जी तुम ऐसी रहा हो तो अद जो फुटपाथ है वो इन कब्जे में आंदो है पा अंदाजो लगे सोता बाकी जो है नंढो एरिया है ये भी जो तसो था इन वक्त जो है इन टेबल हई है फुटपाथ के बिन्हीं पासन दे इन कब्जो है इन चवण है तो हि मंथली दींदा मंथली दियण कब्जो किया है। बहरहाल अगत हलूँ काफी अड़ा जी रहा हों पूरा कवर कर वो अच्छा ये आप दुकान आपकी सिर्फ यहाँ तक है ना जहाँ तक आप खड़े तो आपने ये वाला जो हिस्सा है वो बाहर तक आप लेकर आ गए फुटपाथ आपने आदि अपने कब्जे में ले लिए है तो मतलब आपको नहीं लगता कि ये गलत चीज है पाकिस्तान में ये सब चल रहा है यार मंथली चलता है ना इसका अभी तक तो नहीं दिया शेठ को मालूम होएगा यार शेठ को मालूम होगा आपको अंदाजा नहीं है कि इसका आप लोग कितना देते नहीं नहीं हमको अंदाजा नहीं है। वैसे आप क्या मतलब ये जो आप आधा हिस्सा बाहर तक आ गए तो ये सही है या गलत है ये तो गलत है यार लोगों को तकलीफ होती है ना क्या करना चाहिए ये तो अब क्या बताओ आपको यार बताओ ना जो भी है बताओ आपका क्या बताए यार ये तवा पान दिसो था तो ये दुकानदार जो है इन जो भी पान चवण है इन जो है अद फुटपाथ से कब्जो किया है या शे गलत है पर ये भी पान जो है मजदूर दिहाड़ी तेन जो है उनके करे ये अवॉइड था कन बहरहाल सूरत हाल या ही है हर जाए थे जो है कब्जा हली रहा है कोई दुकान जो है अगते वधाए कब्जा तो करे कोई पार्किंग ठाए या उते जो है चार्जेस हणी पैसा कमाए जो है उते गलत कम तो करे तो ही सब शयू आहिन जेके इन वक्त पाकिस्तान में थी रही आहिन पर बदकिस्मती यह है इन सभी शयन के रोकण वारो कोई काने जैसे रोकण वारा अड़ा अथॉरिटीज आहिन तो उहे भी आहिन खामोश हाने खामोश हुजन जो छा सबब आहे बहरहाल इन वक्त तसो तो जो है मांडी वारो आहे तो इन दे हलंदासे अस्सलाम वालेकुम भाई अच्छा ये आप फुटपाथ पे अपनी आपने दुकान खोली और यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको नहीं लगता कि ये गलत चीज है इससे जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको तकलीफ होगी साइड पे आ गया हुआ वो फुटपाथ पे कहाँ पे है साइड पे आ गया हुआ फुटपाथ है ये साइड पे अच्छा जा सही है जा अच्छा जा सही है नहीं नहीं साइड पे है ना आप कह रहे हो साइड पे है ना तो आपको मतलब लगता है कि ये कारोबार के लिए जगह है वहां से यही काम कर रहे हैं या आप आपका क्या कहना है मतलब ये जो आप यहाँ पे इन्होंने दुकान खोली है जी मतलब ये है ना इनका भी पेट है ना भाई क्या कर सकते हैं ये मतलब अब कहाँ दुकान इतना किराया है यहाँ पर कौन लेगा 10-10 हजार 20-20 हजार पे और वो उसकी 10 हजार पे किराया है वो कहाँ से देगा बेचारा अच्छा किराया 10-15 हजार पे किराया है दुकान वो आपको नहीं लगता यार सिर्फ एक बंदे की वजह से जो है बाकी जो लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है तकलीफ तो हो रही है ये बात को मानने की अब मगर क्या करे वो बेचारा क्या कर सकता है ये बताओ ना यार इसके अंदर बेचारा आप इनको थोड़ा मशवरा देना ये क्या कर सकते ये मशवरा किस तरह बेचारा किराया का है ना नाजरीन हे आहिन पाकिस्तानी आए हर कोई जाहिर गाला पेट के खातिर जो है कुछ भी करण लाए तैयार है या इन जो भी जो है कसूर ना है दुकाने होटल है आगे दुकान इस पेट खा पूरा कितना इसमें कितनी दुकानें आ रही है जाहिर सी बात है दुकान है ना जो मिला के आपने होटल ये पहले दो थी दो होटल है अच्छा आपने आगे जो ये इतना एरिया कवर किया हुआ है तो क्या इसका मतलब क्या वो बनता है आप लोग कोई पैसे वगैरह देते हैं गवर्नमेंट आपको नहीं लगता ये गलत चीज
नाजरीन एक्ति हलूँ था सलाम वालेकुम आपका होटल है अच्छा खासा है माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है एक मेरा आपसे सवाल है आप लोगों ने जो आधा फुटपाथ कवर किया हुआ है आप होटल को बाहर तक लेके गए और लोगों को यहाँ पे आने जाने में तकलीफ हो रही है तो आपको ये नहीं लगता कि ये गलत चीज है नहीं बिल्कुल सर ये गलत है ये कस्टमर की डिमांड है सिर्फ शाम के टाइम निकालते हैं दिन में नहीं होता ये सिर्फ शाम के टाइम जो है ये मतलब पार्किंग जब खाली हो जाती है तो हम लोग रख लेते हैं मतलब ऐसे कौन से कस्टमर हैं कि उनकी वजह से आप दूसरे लोगों को तकलीफ में डाल अंदर जो है गर्मी होती है इस वजह से कस्टमर का ये कहना होता है कि यार आप जो है बाहर बैठेंगे ये बात और कोई बात नहीं आप लोग अगर माइंड करते हैं तो हटा देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को समझा और रियलाइज किया नाजरीन दुकान वारों जो चवणा है जो है या उनके कस्टमर की फरमाइश होंगी है तो जी टेबल है कुर्सी है बाहर रखी वे हवा में तो जी जो आराम से खाई सकन चाय पी सकन मूसा गड एक कस्टमर है उन भी जो अस पुछा अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला अच्छा होटल वारों जो चवण है तो यह कस्टमर की फरमाइश होंगी है तो टेबल कुर्सी बाहर रखी खाण पीन चाहन था वाकई में सदन का अचे सिविलाइजेशन है किस्म की शाम के टाइम सब कुछ चाह पी चाह हों हवा होंगी उन्हें मू इंदा मतलब इंजॉय कह सही दोस्तों का गई भाई हाँ घर में तो मूल नही सकन जो दोस्तों का भी कचरी कर सके शाम में सही हों कुछ ना हों अवां के नथो लगे जिकर हिता के लेडीज गुजरन या बार बच्चा गुजरन त उनन के तकलीफ थींदी पूरो लगंदो उनन के जेडे मल मानू ते रस्ते ते बैठा हुंदा है उता उए लंगंदा ओ डिपेंड करे मानू ते मतलब जेके मानू सुठा है त इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है भैया पर मतलब हे ताई गल सही है नौ जन खपे पर शाम के टाइम सब कुछ चाय पण अचे होटल ते आई फैमिली के वाके डिस्टर्ब थे रस्तो घटवा कंजेस्टेड है वो तहां के भी थोड़ो रियलाइज करण घुर्जे ना यार असा रस्ते में बैठा आयूं ते खाऊं था पियूं था या शे सही ना है गलत आए असा के जका हिनन शे किराए ते वती आ है जको भी आ है हिगड़ी अदर उन जे सिस्टम ठहल आ तो उते वेही चाहे पीजे खाए जे या तो रोड सारा ने एक मतलब आ ड्यूटी आ ना सही ना है ना मतलब जके ऑफिशियल ना रोड वाला उन जो ड्यूटी आ ना असा ही ड्यूटी ना है असा तो मतलब सिविलियन सही आ जके ऑफिशियल हुंदा ने उन जो कमा नहीं असा कम तो ना है जी बिल्कुल ये चेंज तो होना चाहिए मतलब ड्रॉर्स पे नहीं होना चाहिए मतलब अंदर कोई बैठिंग सीटिंग अच्छी हो अंदर तो लोग अंदर बैठ जाएंगे लेकिन अंदर क्या होता है लाइट ही नहीं होती तो बंदा बाहर ही बैठेगा ना पर अध्ययन जो भी था थोड़ा ख्याल भाई ख्याल तो बंदा जब करेगा ना जब आपको सहूलत मैसर होंगी अब सहूलत ही नहीं है अब गर्मी के अंदर बैठ के तो अंदर चाय नहीं पी सकता ना बंदा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम फेस टू फेस में नायाब आज मेजबान गुलशन शेख इन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम लाइ कुछ न कियो आहे गैस की सप्लाई घटजे थी प्रोडक्शन घटजे थी हमें एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है एस्टेब्लिशमेंट छाती पॉलिटिक्स आए थे नए चेहरे आएंगे हम सब बदल देंगे अरे भाई नए चेहरे केड़ा जने मैदान लगो तो पड़सना से नूरा कश्ती चल रही है आपस में सिर्फ सियासी पार्टियों की आवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे सामने पर असाने हुकूमत ने खिलाफ छाती हथेली पर सरसों जमा ले और खा ले अड़ो घर जिते जियापे जा हुंदा सब रंग एक अड़ी बस्ती जिते मन के मिलंदा मोहब्बत जा खूबसूरत मंजर ऐं रूह के राहत
एक अड़ो शहर जिते जन्म वठंदा कामयाबी जा सपना। मजबूती दास्तान मिसाल बनी एतमाद जा जबल अडींदासीं। सील पाक सुपर सीमेंट इगल सुपर सीमेंट सील पाक की तारीख मजबूती की जमानत। जगह तंग है, लोग इतने बैठने वाले कहाँ बैठेंगे, आखिर बाहर ही कुर्सियां लगेगी और बाहर ही बैठेंगे। खाली उस निजाम को आप यहाँ को दुरुस्त नहीं करें, पूरे सदर को दुरुस्त करें। ये सब जगह ही कुर्सियां लगी है, आप किस किस कुर्सियों को हटाओगे मुझे ये तो बताओ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरी माफिया है और ये लोग इसका मंथली देते हैं, तो इसलिए इनका जो है वो हक बनता है कि ये बाहर निकल आए अपनी दुकान। ये तो हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि लाजमी बात है, अगर ये सारा निजाम अगर अंदर बैठ जाएगा तो ये रोड तो बिल्कुल ऐसे खुले खुले हो जाएंगे। लेकिन ये निजाम सारा सही दुरुस्त होगा ना तभी सही होगा। तो ये किस तरह से निजाम सही होगा? ये आपके मीडिया के थ्रू ही सही होगा। जब आप लाजमी बात है हर किसी को आप गाइड करोगे, हर किसी को आप इस तरह जो गलत है तो उसको आप सही करोगे पुलिस के जरिए या किसी के भी जरिए, तो ये निजाम सही होता जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस है ये यहाँ पे नहीं आती, इन लोगों को मना नहीं करती? नहीं आती जाती है, सब पुलिस सारी तरफ घूमती है। पुलिस का ये पुलिस गवर्नमेंट है, वो तो हर जगह घूम सकती है, लेकिन वो गलत नहीं है। गलत ये खुद हम खुद है क्योंकि हम ये कुर्सियां लगने देते हैं, अब मोहल्ले वाले अब लगने दे रहे हैं तो ये लग रही है ना। कहने का मतलब है हम अंदर नहीं बैठ सकते क्योंकि अंदर घुटन है और जगह तंग है, कारोबार वसी है। अब हर कारोबार वसी है यहाँ, इतनी पब्लिक के अंदर, इतना क्राउड के अंदर आप कहाँ का कुर्सियां रखेंगे अंदर। नाजरीन ही आए माहौन जे ख्यालात आए उन्हें जो इजहार त जाहिर गाला जेडमल जिका आबादी जो है जाए थे वधी विंदी आहे आए कारोबार जिको आहे वो वधिक हलण लगंदो आहे त उन सा उन्हें के जिको आहे तकलीफ थींदी आहे आए उन जे करे जिको आहे हु उन शे के या माहौन के जिको आहे तकलीफ में वेझंदा आन। जी हन वक्त आ दिस रहया हुंदो त जाए तंग होजण जे करे जो है हर को मानू इतने एक बे के जो है धिका दिए तो लेडीज वन तो उन्हें परेशानी आए। आपको नहीं लगता यार आप फुटपाथ पे जो है वो एक स्टॉल खोल के बैठे हैं तो यहाँ पे जो लोग हैं आने जाने वाले उनको आपकी वजह से तकलीफ हो रही है? कोई तकलीफ नहीं हो रही, किसको तकलीफ हो रही है? सबसे पहले आप गाड़ियाँ बंद करवाई हैं, अभी आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अभी जो बेरोजगार है वो क्या करेंगे बेचारे? अभी आपको तनख्वाह मिल रही है, मैंने भी बहुत अप्लाई करी गवर्नमेंट जॉब में, हर जगह अप्लाई करके भी यहाँ बैठा हूँ मैं आगे, एंड टाइम एंड वक्त ये मिला है मेरे को, क्या यहाँ मैं? जितना करप्शन ये आम हुआ हुआ क्यों हुआ है? बेरोजगारी की वजह से हुआ हुआ है, ऐसी हुआ हुआ है? कौन कर कौन रहा है करप्शन? कर रहे आवाम ही कर रही है और कौन करती है? करते हम लोग ही तुम लोग ही हो, जिस बेरोजगार होके घर बार देखते हैं, घर बार में इतनी दुख तकलीफ है, क्या करेगा बंदा अगला? अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इज्जत से कमा रहा हूँ ना, अभी आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि यहाँ क्यों बैठे हो, अब आप खुद सोच रहे। देखिए मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठे हैं लोगों को तकलीफ आपकी वजह से तकलीफ हो रही है नहीं हो रही आने जाने? किसी को नहीं हो रही तकलीफ, साइड में बैठा हुआ, कोने में बैठा हुआ, बीच में नहीं बैठा हुआ मैं। लेकिन ये क्या जगह स्टॉल लगाने के लिए है या फिर आने जाने के लिए? लगा सकते हैं, परमिशन से बैठे हैं यहाँ पर। किसकी परमिशन? दुकानदार की परमिशन से बैठे। दुकानदार तो उस तरफ रहा ना, वो अपने उसमें लिमिट में बैठा हुआ है। ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूँ, अभी ये बताओ अभी मैं कहा जॉब वगैरह मुझे मिल रही नहीं तो मैं क्या करूँ? छोटा सा ठेला आगे मैं बैठा हुआ हूँ, अच्छा नहीं लग रहा आपको? अब जो लोग आ रहे हैं, जो लोग आ जा रहे हैं उनको तकलीफ है? तकलीफ नहीं है। अब बताएं आप, तो यहाँ से लेडीज आ जा रही हैं, उनको आपको नहीं लगता कि यार सही नहीं है? यहाँ से वहाँ तक चले जाए कहीं कई जगह कोई खाली नहीं है। आप ये बताएं, ये देखें यहाँ पे रोड कितना भरा पड़ा है ट्रैफिक से देखें। तो इसका क्या है? ये तो मंथली चलता रहता है ना। नाजरीन मानू जी ये भी शिकायतू आहिन ते जडे हर जाए थे जो है पार्किंग जो है इलीगली अजी थी बने जाते नो पार्किंग जो बोर्ड आहे उते भी पार्किंग आहे तो जाहिर गाला
इनके भी जो है पांजो पेट पालण जे लाए जो है फुटपाथ ते या जो है फुटपाथ जे साइड ते जो है नंढा स्टॉल या को कारोबार हणो तो पे जी वो पांजे जो है बारन जा भी पेट पाले सकन। सरकार हने वक्त जेका पाकिस्तान में सूरत हाल है वह अवा जे सामो है केतरे हद ताई बेरोजगारी है केतरे हद ताई महंगाई है त उन शे के दिसी करे हर कोई मानू मजबूर है फुटपाथ ते निखरी अचण उते पांजो कारोबार जो है शुरू करण। बहरहाल अना काफी ते मानू आइन असा उनन ने भी हलंदा से आए कोशिश करना से त उनन जी भी जेके शिकायतू आहिन या जेके उन जा मुश्किलात आ मसला आहिन उहे भी जो है थोड़ा सा इन प्रोग्राम में शामिल करे सकूं त आखिर ही जेके मानू फुटपाथ ते वेठा आइन छा ही सिर्फ कमाइण जे लाए वेठा आइन या इनन जी का मजबूरी आहे जेको ही जेको है फुटपाथ ते अचन था कारोबार हणन था आए बे मानू त खैर अचन था पर उन जे बावजूद भी मजबूरन हनन के अचे ते वेहणो पए थो। माशाल्लाह आपका कारोबार बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा एक मेरा आपसे सवाल है, आप दुकान जो आपकी एक हद है उससे आप बाहर आके जो है वो बैठे हैं, तो उसकी क्या वजह है? नहीं दरअसल तो ट्रैफिक इतनी जाम रहती है यहाँ तो हमें जगह मिलती है कारोबार के हिसाब से, क्योंकि अब ये हमने 2 फुट 3 फुट बाहर निकाला हुआ ठीक है अपना, अब इससे ज्यादा बाहर निकाल नहीं सकते, पब्लिक के लिए मसला होता है आने जाने वालों के लिए, हमने 2 से 3 फुट निकाला हुआ बाहर, 2 टेबल रखे हुए हैं, अब मजीद कस्टमर आते हैं वो हमसे जगह मांगते हैं, जगह ही नहीं है प्रॉपर उनको बिठाने के लिए, हमारी अब छोटी सी अंदर जगह है उसमें तकरीबन 10 से 12 कुर्सियाँ लगी हुई है, छोटा सा काम है हमने अपना वसी किया हुआ नहीं है। आपको मतलब ये नहीं लगता कि आप जो 3-4 फीट बाहर लेकर आ गए ये सही है या गलत है? नहीं गलत तो हमने कब कहा कि सही है, गलत तो गलत ही है, लेकिन ये कि हमारी भी मजबूरी है कि हमने इसलिए बाहर थोड़ा सा निकाला 2 से 3 फुट के, चलो कस्टमर को नजर आए। मतलब आप सिर्फ कस्टमर को दिखाने के लिए 3-4 फीट बाहर लेकर आ गए, लेकिन लेकिन जो यहाँ से लोग आ जा रहे हैं आप वो चीज नहीं देख रहे हैं कि आपकी वजह से कितने लोग तकलीफ में? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पब्लिक आ जा भी रही है, हमने 2 फुट निकाला हुआ है, अब ऐसा भी होता है कंटोनमेंट वाले आते हैं वो कहते हैं तुम थोड़ा अंदर कर देते हैं, अब देख हमने तो ये ना 3 फुट का मैं गवर्नमेंट ने अलाउ किया 3 फुट आप सीधा बाहर निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं 3 फुट बाहर निकाला हुआ है और 2 फुट हमने बाहर निकाला है, ये आपको 2 फीट लग रहे हैं जी। तो अभी मतलब देखिए अब लोग इतने यहाँ पे खड़े हो गए, अब अगर वहां से कोई आएगा तो आपको नहीं लगता यार वो तकलीफ में है, या लेडीज हैं वो आ जा रही हैं तो वो मतलब तकलीफ में? मेरी बात सुने, अब ये सब है पार्किंग है सामने ठीक है, पहले तो फुटपाथ थी 10-12 फुट थी, अब ये फुटपाथें कर दी छोटी ठीक है, पहले थी फुटपाथें बड़ी थी अब छोटी कर दी है, क्या समझे आप? तो आप इसका क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि जैसे लोगों को भी तकलीफ ना हो आपका भी कारोबार अच्छा? अब आप पता है हम क्या कर सकते हैं नाजरीन हे आए मानून जी शिकायतू आए हर कोई जो है लाचार है मजबूर है पांजो पेट पालन जे लाए हुनन के जो है हर जो है कम करणो तो पे मानून के तकलीफ जानी थी पे पर हिनन जी भी मजबूरी है ता हिनन के कारोबार करणो आ पांजो पेट पालणो है पर जके ते मानू अचन था वनन था उनन के भी तकलीफ है रियलाइज भी कन था पर छा कन सिस्टम कुछ अड़ो है जाते जो है चेक एंड बैलेंस ना है, हर कोई पांजी मर्जी से हले तो हर कोई पांजी मर्जी से जो है कम करे तो कोई इतने जो है कहीं रोकण वारो ना है आए जी तहां दिस रहा हुनो त जो है रोड ते जो है गरीब आहिन पांजा नंढो जो है कारोबार कन था आए बे पासे तहां दिसनो त पार्किंग आ है जो काफी रोड जो अध हिस्सो कवर करे बैठा आइन पर हितां जो के इंतजामिया है शायद उन्हें के या शे नजर नथी अचे त ही जो इन एरिया कवर कयो आहे पार्किंग जे ला या गलत आहे आए यो जाणी दे भी जो है जेका हितां जी इंतजामिया है इन शे के खत्म नथी करे आए जो आए हर इलाके या हर जो वो एरिया जाते ने के खबर पए थी त हते जो है पार्किंग वधी सके थी तो वो उते जो है पार्किंग चार्जेस हणी था वठन जैसा हुनन जो भी जो है कारोबार चमकी पवे तो उन जा खीसा भरजी वनन था ता ही हिकड़ो सिस्टम आहे जो यको हलंदो अचे तो आ इन के रोकण वारो भी कोई काने जैसा हर को जो माण्हू आहे परेशान आहे तकलीफ में आहे पर छा कजे जो सिस्टम अड़ो आहे आए सिस्टम हुजन जे करे हर को बस यही हले तो।
रोड पे टेबल यहाँ पे पड़ी है और आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि ये एक गलत जो है वो यहाँ पे इंतजाम रखा गया है कि रोड पे आप लोगों का टेबल और रखी है, कुर्सी पे पड़ी है और यहाँ पे आप लोग रोड पे बैठे हुए हैं? तो मेरे भाई आप ऐसा करें ना, पहले ये कुर्सियाँ हटा देना, ये कुर्सी होंगी ना बैठने वाला आएगा, मेन चीज तो यही है। आप जब कुर्सी लगी तो हम बैठ गए। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत है जिन्होंने भी मतलब ये रखा हुआ है? गलत है ना, ना रोड पे होगा ना कोई बैठेगा। तो ये किसको एक्शन किसको लेना चाहिए, अवाम को, गवर्नमेंट को, इंतजामिया? यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामिया वो लेना एक्शन, अवाम तो नहीं लेगी। अवाम को तो जहाँ जगह मिलेगी वही बैठ जाएगी। मतलब अवाम को जैसा सिस्टम दिया जाएगा वो वैसे ही चलेगी ना, अवाम तो खुद मजबूर है। किस तरह से मजबूर? हर तरह से है ना, महंगाई को आप देख लें, कहाँ महंगाई जा रही है वो बैठेगी कहाँ पे? उनको तो बजाते खुद यही एक पता होता है कि बैठना कहाँ, जहाँ जगह मिलेगी उन्होंने वही बैठ जाना। ये इंतजामिया ना ये लगाए तो ना यहाँ को बैठे, जब जगह नहीं होगी तो बैठेगी कहाँ पर? हम गाड़ियाँ लेने आए लाहौर से, फर्स्ट बस लाहौर से आए हैं, हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ आ गए हैं। तो आपको मतलब कोई डिफरेंस नजर आ रहा है लाहौर में और यहाँ? नहीं, लाहौर में ऐसा नहीं है कि सड़कों पे ऐसे गाड़ियां लगाई जाए, सड़कों पे फुटबॉल पे रेडी थैले लगाए, ऐसे नहीं होता लाहौर में। तो क्या ये सही है या गलत? गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। ये एहतजाज करना चाहेंगे कि भाई इस तरह से नहीं होना? हम क्या एहतजाज करें, हम तो मेहमान हैं, हम एहतजाज कैसे करें? ना ना, मेहमान हो या जो भी हो, लेकिन आप जबानी तो आप कहेंगे ना कि भाई इस तरह से नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि दुकानों के बाद सड़क का बिल्कुल रास्ता बिल्कुल बंद है, डबल गज डबल गाड़ी नहीं जा सकती यहाँ से, बिल्कुल ट्रैफिक बिल्कुल जाम है। पैदल ही नहीं, पैदल आदमी नहीं कोई चल सकता, गाड़ियाँ यहाँ पर क्या चलेंगी? लाहौर में ऐसे नहीं है वैसे। उधर लाहौर में किस तरह से? लाहौर में तो जो सड़कें हैं ना वो खुली हैं, ऐसे जो नजायज तजावजात नहीं है, बिल्कुल नजायज तजावजात रोड पर नहीं है कम अज कम। दुकान के बाहर भी नहीं लगा सकते ठेला, दुकान के बाहर तक नहीं लगा सकते, छोटा सा खोखा भी लगा सकते लाहौर में। किस वजह? इस वजह से कि गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, दुकान अपने हदूद के अंदर लगा सकते, जो भी लगाना हो दुकान के अंदर ही लगा सकेंगे आप, बाहर नहीं लगा सकते आप। ये ठेले, ये कुर्सियां, ऐसी गाड़ियां, ये चीजें वहाँ नहीं लगाने देंगे, एक मिनट में उठा के ले जाएंगे सब कुछ। नाजरीन अवा बुधो था, कुछ मेहमान आहिन जेके पंजाब में आयल आहिन, उन्हें जो ये छो वड़ाए था पंजाब में ही जो सिस्टम आहे वो ना है, उते पाबंदी आहे, आए ही जो को है सिर्फ हिते ही इन्हें के नजर अचे तो जाते को जो को है रूल्स एंड रेगुलेशन ना है, जगरे को कानून ठायो तो वने तो उते जो को है अमल करण वारो जो को है कोई भी काने आए, या शे जाहिर गाला कें के भी पसंद ना है, पर शायद इते इंतजामिया पाणी खामोश आहे या उन्हें जो को इनमें मफाद आहे जिनके करे वे खामोश आहिन, पर मानू भी छा कन इनके जाते जाए मिले थी हुए वही था रन। बहरहाल ही जो को है सदर आहे, आए अगते भी काफी थे एरिया आहे, उते भी हलंदा से आए पूरो असा विजिट करना से ता जेके इते मानू आहिन उन जे छा इन बारे में ख्यालात आहिन, छा ही जो को है ये हुजन घुर्जे या जो को है सख्ती सान ते पाबंदी आए एक्शन खयो वने। ही प्रोग्राम असां जो ना है, ही आहे अवां जो आवाज, एहन प्रोग्राम में असी कंदासे अवामी मसलन जी उपतार ए गोली मासी उनन जो हल अवां जो आवाज में। आपको नहीं लगता आप जो ये आधा फुटपाथ कवर करके बैठे हैं ये चीज सही है गलत? ये फुटपाथ वो देखे, पूरी फुटपाथ गिरी हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब वो तो आपको देख के जो है वो यहाँ पे बैठे हैं ना? सही। आपकी जो दुकान है बिजी है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो तकलीफ में आपकी वजह से लगा लिया, आपने जो लगा लिया, आपने तकलीफ नहीं दी लोगों को जना।
साहब बात ये है कि हम तो इतने छोटी छोटी सी ये दुकानें लेकर और इतना सा काउंटर लेकर बैठे हुए, आपको दिख रहा होगा कि यूनाइटेड वाला और आगे पीछे सबकी कितनी बड़ी बड़ी बाहर तक इन लोगों ने कुर्सियां लगाई हुई है। ये अपना कराची है, आगे कोयटा वाले सबने लगाई हुई है, और पूरी कराची में ऐसे ही सिर्फ सदर में नहीं हर इलाके में आपको मिलेगा। तो गलत है सही है, मैं सिर्फ आपसे ये गलत तो है मगर ये तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना यार। तो क्या एक्शन क्या लेना चाहिए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कोई कि आवाम को भी परेशानी ना हो और आपका काम भी हो जाए। भाई हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले तो ये लोगों के लिए रोजगार के मौके गवर्नमेंट मैसर करे। जब गवर्नमेंट पब्लिक के लिए गवर्नमेंट जब रोजगार के मौके मैसर करेगी तो फिर ये सारे ठेले हट जाएंगे। जी नाजरीन है अवाम बुधी रहे हो अवाम ख्याल गवर्नमेंट के जो है इन बारे में कुछ करण घुर्जे तो जी मानों जा मसला है जो बेरोजगारी है वो खत्म थी वने हर जो मानू है खुशहाल हुए जैसा यो थी नो तो इतने बया जो मानू परेशानी में मुसीबत में अचन था तो उहे जो है उन शय का बची सगन था। बो इन वक्त दिसी रहा हूं तो ही जो पूरा रोड है अध रोड जो है इन वक्त कब्जे के अंडर है ही जो दुकान है होटल यो भी तसंदौ तो रोड ही हितां जी सूरत हाल है पर जो इंतजामिया है वह अजा ताई खामोश है। कारोबार माशाल्लाह आपका अच्छा चल रहा है, होटल भी काफी बड़ा है, तो एक मेरा आपसे सवाल है आप जो होटल में देख रहा हूँ इस टाइम अंदर आपका खाली और लोग आप बाहर बैठे हैं, टेबल आपने बाहर रखी है, ये किस वजह? वजह ये हर आदमी आउटिंग मांगता है, ठीक है ना, हमारे पास इतना रश हो जाता है बाज़ औक़ात कि हम लोगों के यहाँ जगह नहीं रहती, हम लोग अपनी कुर्सी अपने आगे लगाते हैं, ये हम अपनी पार्किंग एरिया में लगाते हैं। अगर हम यहाँ अपनी दो गाड़ी खड़ी कर दें तो पार्किंग तो वैसे भी है, ठीक है ना। अब आप ये सामने देखें सब ने अपनी पार्किंग लगाई हुई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या आप जब यहाँ पे दुकान होटल आपने खोली थी तो आपको पार्किंग यहाँ पे अलॉट की गई? कौन सी पार्किंग? तो जो जिसकी दुकान है उसके सामने ऐसी बातें पार्किंग होगी, हम नहीं लगाएंगे कोई और लगा देगा, पार्किंग तो मिलती है ना। क्या यहाँ पे कोई नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा? आप यहाँ देख रहे कहाँ पर नो पार्किंग है, आप देख रहे ना, आप अपने कैमरे को घुमाए देखे कौन सी गाड़ी पार्क पे लगी हुई है, आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके चले जाए उसके बाद में कोई पीछे गाड़ी लगा देगा, तीन घंटे आप उसका इंतजार करें। नाजरीन हे आहिन मानुन जा ख्यालात मानुन जो चवण आहे त जाते उन जो कारोबार आहे उन जे अगिया जेको आहे पार्किंग भी उन जी आहे आहे पो उन जी मर्जी आहे त ही उते पार्किंग कन या जेको आहे टेबल कुर्सी रखी आहे जेको आहे पांजो कारोबार हलाए। बहरहाल ही जेको आहे सूरत हाल आहे हिते हिन वक्त अवां ॾिस रहिया हूंदो त रोड जे अध ताईं जेको आहे पूरो एरिया कवर आहे ऐं टेबल रखियल आहे ऐं दुकानदार ऐं होटल वारा कुझु अहिड़ा आहिनि जेके इन शइ खे जेको आहे एक्सेप्ट बि कनि था त इहा शइ ग़लति आहे, इन सां ॿियनि माण्हुनि खे जेको आहे तकलीफ़ थिए थी, पर कुझु अहिड़ा आहिनि जेके इहा शइ एक्सेप्ट न आहिनि कंदा ऐं जेका ग़लति आहे उनखे बि चवंदा आहिनि त बाबा जेको असां कयो आहे इहो सही आहे, छाकाणि त इहो जेको आहे पाकिस्तान में सिस्टम हलंदो थो अचे, तंहिंजे करे असां बि जेको कयो आहे सो सही आहे, जेकॾहिं अवां चेंज करणु चाहियो था त पूरे सिस्टम खे चेंज कयो तॾहिं ई हर शइ सही थी सघे थी। बहरहाल अॻिते हलूं था, हिन वक़्तु तव्हां ॾिसंदव त जेको आहे हीअ बैंक आहे ऐं बैंक जेको आहे हिते पंहिंजो जनरेटर रखियो आहे ऐं पाण तव्हां सम्झी सघो था त हिकु बैंक एॾी ऐं जनरेटर जे लाइ हुन पूरो जेको फुटपाथ आहे उहो कवर कयो आहे जंहिंसां माण्हुनि खे बि जेको आहे काफ़ी तकलीफ़ थिए थी हितां अचवन में ऐं पाण तव्हां सम्झी सघो था जॾहिं एॾी वरी कंपनीज़ अहिड़ो ख़र्चो कनि थियूं त छा उहो हिकु नंढो एरिया जेको आहे परचेज़ या को रेंट ते नथी वठी सघनि त जंहिंसां जेको आहे ॿियनि माण्हुनि खे तकलीफ़ न थिए हुन जो जेको जनरेटर आहे या ॿियो को जेको बि उनजो सामान आहे उहो उन शइ में उनखे एडजस्ट करे विझनि बजाए इन जे जो फुटपाथ जेको आहे कवर कनि ऐं ॿियनि माण्हुनि खे तकलीफ़ में विझनि। अच्छा इस तरफ बैंक है और बैंक ने अपना जनरेटर फुटपाथ पे रखा है, आप क्या समझते हैं कि ये यहाँ पे जो लोग आ जा रहे हैं ये बैंक ने उनके हक पे डाका नहीं डाला? बिल्कुल उनका हक पे डाला है और ये रास्ता है फुटपाथ है और फुटपाथ जो है उसपे उन्होंने जनरेटर लगाया है, इसकी जो है जितनी भी QMC जो है कराची म्यूनसिपल कारपोरेशन वाले चाहिए कि ये हटाए और उन्होंने अपने पैसों के लिए उन्होंने यहाँ पर रोक किया हुआ है, आवाम को तकलीफ हो रही है चलने फिरने में।
तो ये हकीकत ये डाका है आवाम के उस पर। आपका कहने का मतलब है कि बैंक वाले जो यहाँ की इंतजामिया है उनको पैसे देते होंगे? हाँ बिल्कुल, पैसे रिश्वत है और उनकी अपनी वो है, उन्होंने अपनी आवाम को तकलीफ में डाला है, खुद आसाइश में बैठे हैं। और ये जो होटल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेबल कुर्सियाँ रोडों के आधे तक मतलब ये लोग हिस्सा कवर कर, ये तो लोगों के लिए वो बैठने की जगह है, लोग अपनी तफरी करते हैं, लोग चाय पीते हैं, लोग वो करते हैं, इस पे तो इतनी होनी चाहिए। तो आपको यूरोप में भी ऐसी है, वहाँ भी तो रोडों पे जो है उन्होंने होटल कैफे है और वहाँ बार, लेकिन वहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे 2 फीट रास्ता छोड़ा जाता है लोगों के आने जाने। लेकिन ये ना कि उसको ट्रैफिक को वो करे ना, जब एक तरफ ट्रैफिक का वो करे पार्किंग करे, एक तरफ जो है वो रोड करे। जी नाज़रीन, हिन वक्त जो आहे असा मौजूद आहे सदर में आए, सदर में हिन वक्त अवा सूरत हाल जो आहे ॾिसी रहा हो, मुझे पोए पासे ते भी तहां ॾिसो ता केडी ट्रैफिक जो आहे वा जैम आहे, आए सिर्फ जेके ही कारोबार हिते कंदड़ आहिनि होटल वारा या दुकान वारा, सिर्फ उन्हनि जे कब्ज़े जे ख़ातिर जेको आहे हिते ॿिया जेके माण्हू आहिनि उहे मुसीबतुनि खे परेशानियुनि खे जेको आहे फेस करे रहिया आहिनि। ऐं हिन वक़्तु सूरत हाल तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त केतिरी जेको आहे हिते अचवन आहे ट्रैफिक जी ऐं गाॾियुनि जी, ऐं जेके माण्हू आहिनि केतिरी जेको आहे परेशानियुनि में आहिनि, ऐं ही सभु जेके हितां जा इंतिज़ामिया आहे उहा हिन वक़्तु बि ख़ामोश आहे। ऐं सॼी सूरत हाल अव्हां वटि जेको आहे हिन वक़्तु अव्हां ॾिसी रहिया आहियो, सॼी सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे, पर हितां जी जेका इंतिज़ामिया आहे उहा ख़ामोश आहे। ऐं जेके हितां जा माण्हू आहिनि उन जो इहो ई चवणु आहे त जेके इंतिज़ामिया आहे उहा ख़ामोश आहे, या वरी जेको आहे उनखे ख़ामोश कयो वेंदो आहे। हालांकि जेके हितां जी आवाम आहे कुझु ग़लतियूं उन्हनि जूं बि आहिनि, त हू जेको आहे ही पूरो सिस्टम या जेको ही ग़लति जेको हिते सिस्टम जंहिंखे चयो थो वञे उनखे हू पाण हलणु ॾियनि था ऐं हू उन में पाण इन्वॉल्व थी वञनि था, जंहिंसां जेको आहे हर को माण्हू हिते परेशान आहे। बहरहाल सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? मोहम्मद फयाज। अच्छा, ड्यूटी पे आप किस हवाले से, क्या आपकी यहाँ जुलूस मार्केट है? जुलूस मार्केट है, इसलिए खड़े हुए। जुलूस मार्केट है मतलब सिक्योरिटी? जुलूस मार्केट सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो दूसरे आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ खड़ी हैं और ठेले वाले भी हैं, आधा रोड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? रोड ब्लॉक किया हुआ तो मार्केट पार्किंग नहीं है, क्या करें? यहाँ पे पार्किंग नहीं है, पार्किंग रोड पे खड़ी करेंगे ना वो। और जो दूसरे होटल वाले और जो दूसरे दुकान वाले वो फुटपाथ पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिससे आने जाने लोगों जो लोग हैं आ जा रहे हैं उनको भी तकलीफ। हाँ ये बात तो सही है आपकी। तो क्या मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का भी कोई हक बनता है कि इस चीज को रोका जाए? बिल्कुल हक बनता है, बरहाल ये कि बेहतर बाला सरान जानते हैं। नाज़रीन, हिन वक़्त तव्हां मुझे पोए पासे ते ॾिसी रहिया आहियो त हिते हिकु चौकी आहे मददगार जेका पुलिस जी आहे, ऐं हिते जेको आहे पुलिस वारनि खे हुजणु घुरिजे, पर हिते पुलिस वारा मौजूदु न आहिनि, बल्कि उन्हनि जी जेकर तव्हां चौकी जे हेठि ॾिसंदो त तव्हांखे हिते जेको आहे कैन नज़र ईंदा, ऐं ही जेको कैन आहिनि उहे कंहिं हिते मज़दूर जेको आहे पाण हिते हिफ़ाज़त जे लाइ रखी विया आहिनि, त कोई हितां चोरी न करे, छाजे कारण त मथे चौकी आहे ऐं पुलिस वारो हालांकि कान्हे, पर पोइ बि जेको आहे हिते रखी विया आहिनि, शायदि उन्हनि खे इहो यकीन हूंदो त चौकी जे हेठां आहे, उन जा कैन पिया आहिनि, तंहिंजे करे हिते महफ़ूज़ आहिनि, पर शायदि जेका हितां जी इंतिज़ामिया आहे उहा इहा शइ विसरी वई त जिते उन्हनि जी जेका चौकी ठहियल आहे उते कहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे अलर्ट हुजणु घुरिजे, ऐं कहिड़े तरीक़े सां जेका चौकी आहे जिते हू वेही करे जेको आहे माण्हुनि खे जेको आहे तहफ़ुज़ फ़रहम कंदा आहिनि उनखे कहिड़े तरीक़े सां इस्तेमालु कजे, शायदि इहे सभु जेको आहे हितां जी इंतिज़ामिया विसरी वई आहे, जेको आहे हिते ॿिया जेके माण्हू आहिनि उहे हिन चौकी खे पंहिंजे जेको आहे फ़ाइदे जे लाइ इस्तेमालु करणु लॻा। जी नाज़रीन, अवां ॾिठो अॼु जो प्रोग्राम जेको असां कब्ज़ा माफ़िया जे ख़िलाफ़ कयो हो, जेके पंहिंजे दुकान खां ॿाहिरि ते जेको आहे अची फुटपाथ ऐं रोडनि ते कब्ज़ो कनि पिया ऐं पंहिंजो जेको कारोबार आहे उहो हलाइनि पिया। अहिड़े तरीक़े सां ॿिया बि हिते काफ़ी फुटपाथनि ते स्टॉल हुया, कंहिं जाइ ते त जेको आहे सिलेंडर अहिड़े अंदाज़ में रखियल हुया जो को बि उते जानी नुक़सान थी पियो सघे जेकॾहिं को सिलेंडर जेको आहे फाटी पए हा।
बोको है अस जो हर जो रोड हुए उन किनारो हुए उन दिखो से काफी जो है तादाद में गाड़ी भी पार्क थियल हुई अड़े तरीके से जो बी गाड़ी अचन पी उन जाए छी वही सा भी काफी कंजस्टेड जाए हुई जैसा उनके काफी उत अचवन में तकलीफ थे पी तड़े तरीके से सदर में जो इतने सिस्टम हले तो इतना इंतजामिया है वह भी खामोश है आवाम भी परेशान है हर कोई ये सवाल पुछे तो आखिर छो जो है एडे वे शहर में जो है कानून नाफिज कदड़ जो है न तई खामोश है ना इतना बया जो कब्जा माफिया है वे जो है गवर्नमेंट जे उन जायन ते या आवाम जाते अवाम जो हक है उन्होंने मानू अच कब्जा कन था पर जो इंतजामिया है वो उन्होंने को भी एक्शन नी खे जैसे अचे थी तो जो है सिर्फ जबानी जो है उन्होंने चई आए हली थी वे उनका सागो ही जो है दुकानदार होटल वारा जो है दुकान का बाहर अची कर फुटपाथ और रोडन से कब्जा कन था। बहरहाल हि प्रोग्राम करण जो असल जो मकसद हो वो यो हो ही जो इतने सिस्टम हले तो उन शो है पहुंचाण उन जो है इंतजामिया तई पहुंचाण जी इन जी जिम्मेदार हैं उन शायद ही इन प्रोग्राम के जरिए रियलाइज कर सन ती जो इतने सिस्टम हले तो वो गलत है या उनके जो है जरूर इन बारे में कुछ न कुछ जो है करण घुर्ज। बहरहाल जैसे अवं चाहो तो असं शहर या इलाके में अचूँ तो अवं इन पोस्टल एड्रेस से पांजा जेके भी शिकायतू आहेन उहे असांखे पोस्ट करे सघो था। जेको आहे प्रोग्राम इंचार्ज न्यूज़ डायरेक्टर आखिर छो जेको प्रोग्राम आहे उन जो नालो लिखी करे तव्हां असांखे हिन पोस्टल एड्रेस ते जेको आहे पंहिंजी शिकायतू ऐं कॉन्टेक्ट नंबर नालो शहर जो है वो लिखी असांखे मोकिले सघो था या वरी तव्हां असांखे जेको आहे हिन SMS ते SMS नंबर ते SMS करे सघो था या ही फेसबुक ऐं जेको आहे ईमेल एड्रेस आहे जिते असां सतहा कॉन्टेक्ट में अची सको था। बहरहाल इंशाल्लाह वरी मिलंदासी बे शिकायतों से गड़ तेस तई पांजे मेजबान के दीदा इजाजत अल्लाह हाफिज।